नमस्कार साथियों, आलोकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो विषय आपके लिए लेकर के आए हैं उसमें आप देखेंगे तो इसका सबसे पहले इसका जो हम महत्व देखेंगे कि ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा इसका जो महत्व है वो RAS की मुख्य परीक्षा के लिए है, और साथ ही ये PSI जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अभी जो RPSC की कॉलेज लेक्चरर की जो कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो थर्ड पेपर है उसकी एक यूनिट के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल आने वाली जो RPSC की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उसमें आने की प्रबल संभावना है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए और विषय की महत्ता को समझते हुए हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिए, और देखने के साथ साथ आप आलोकन अकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियो जो आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्व के हैं उनकी सूचना आपको पहले से मिल सके कि आज कौन सा वीडियो आने वाला है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हमारा आग्रह है, ये निवेदन है कि आप आलोकन अकेडमी के जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को उसको शेयर भी करें। जैसा कि मैंने आपको बताया तो आज का जो टॉपिक है उसका हमने विषय रखा है राजस्थानी भाषा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और ये जो राजस्थानी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है, और इस लिपि के साथ साथ राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर राजस्थानी भाषा का जो इतिहास की दृष्टि से आप आकलन करेंगे, इतिहास की दृष्टि से आप इसका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थानी एक बहुत साहित्यिक रूप से समृद्ध और भाषिक गुणों से ओतप्रोत भाषा है, और राजस्थानी जो है अगर आप सच मायने में पूछें तो हिंदी को राह दिखाने की स्थिति में भी है, क्योंकि हिंदी से पुरानी है राजस्थानी भाषा। बात ये दूसरी है कि राजस्थान भाषा के साथ राजस्थानी लोगों के साथ एक अनजस्ट की जो स्थिति है वो सर्वत्र चारों तरफ दिखाई देती है, ना राजस्थान के लोगों का कोई धनी धोरी है, उनका कोई ध्यान रखने वाला है, और राजस्थानी भाषा की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है कि उसको संवैधानिक जो दर्जा है वो आज तक नहीं दिया गया है, जबकि इससे छोटी जो भाषाएं हैं इससे कम साहित्यिक समृद्धता से युक्त भाषाएं हैं, इससे कम क्षेत्र में बोली जाती है, उन सबको उन बोलियों को अलग अलग समय में जो है संविधान, तो ऐसे में राजस्थानी को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने के लिए कई सारे जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, और हम उनकी मेहनत को सलाम करते हैं कि वो राजस्थानी भाषा को अपना पुराना जो गौरव है वो लौटाने की स्थिति के लिए लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा जो विषय है इस पर हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट आज चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि राजस्थानी जो भाषा है उसकी जो उसका जो आखिरी जो बिंदु है इसमें बोलियों की जो हम बात करें तो देखिए राजस्थानी जो भाषा है बोलियों की दृष्टि से भारत की सबसे संपन्न भाषाओं में से एक है, और मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थानी जो भाषा है वो बोलियों की दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा है, क्योंकि भारत की किसी भी भाषा में भारत की किसी भी बोली में इतनी सारी भाषाओं का समावेश नहीं है, इतनी सारी भाषाओं का जो है वो एक तरीके से समागम नहीं है जितना राजस्थानी भाषा में उसकी बोलियों का है। आप देखेंगे तो पाएंगे तो अब तक जो अध्ययन हुए हैं, अब तक जो साहित्य पब्लिश हुआ है, अब तक जो किताबें प्रकाशित हुई है उसमें राजस्थानी भाषा को 9 से 12 बोलियों के बीच में संयोजित करने की कोशिश की गई है, उसको वापस समेटने की कोशिश की गई है, जो अपने आप में राजस्थानी भाषा के साथ अन्याय जैसा है। यह अन्याय क्यों है? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो राजस्थानी भाषा का जो जानकार लोग हैं, जो उस पर जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने उस पर काम किया है, वो उन्होंने पाया है कि राजस्थानी की लगभग 72 से 76 भाषाएं जो ऐसी हैं, बोलियां जो ऐसी हैं जो राजस्थानी के उसमें दायरे में आती है, राजस्थानी को वो सारी की सारी बोलियां मिलकर के समृद्ध बनाती है।
आप अगर देखेंगे उसके बाद ये स्थिति पुरानी, आप इसको मान सकते हैं कि ये 76 भाषाओं की बात पुरानी है, पर अगर आप 2001 का जो अगर लिंग्विस्टिक सेंसस देखेंगे, लिंग्विस्टिक सेंसस में आप आपका जो जनगणना होती है उसके टाइम पे आपकी जो है भाषा की गणना भी होती है, उस दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान में जो है राजस्थान के लोगों ने अपनी बोलियों को सम्मान देते हुए राजस्थानी भाषा की लगभग 18 से 20 बोलियों को उन्होंने अपने सेंसस के टाइम पे रिकॉर्ड पे सर्वेक्षणकर्ताओं को दिया है कि हम ये फला बोली बोलते हैं। उसके बावजूद भी राजस्थान की जो सरकार है और केंद्र की जो सरकार है या राजस्थान में जो हमारे जो राजनीतिक जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे राजस्थानी की बात करते हैं पर दिल्ली में जाकर के भूल जाते हैं। क्या वो सारे मिलकर के इस राजस्थानी भाषा के गौरव को वापस नहीं लौटा सकते हैं? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। आज हम इस व्याख्यान में जो बात करेंगे वो देखेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो बोलियों की बात हम जो 72 से 76 की जो बात करते हैं उसमें वर्तमान में जो है हमने एक सर्वे किया, मैंने UGC का जो मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें पूरे राजस्थान का एक सर्वे किया और वो प्रोजेक्ट लगभग 10 लाख का था। उसमें हमने पूरे राजस्थान को पार्ट्स में, हिस्सों में बांट करके और पूरी एक बहुत गहनता से उसका सर्वे किया और इस सर्वे में जो लोग हमने लगभग 74,000 लोगों के आसपास हमने उनके डेटाज लिए, चाहे वो डेटा शीट पे लिए हो, सूचक पत्र जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से लिए हो, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से लिए हो, चाहे हमने उनसे बातचीत करके लिए हो, जो भी फॉर्मेट से जो हम सूचकों से जो सामग्री संकलन करने के जो वैज्ञानिक जो तरीके हैं उसके आधार पर हमने लगभग 74,000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ उसमें डेटा इकट्ठा किया। डेटा इकट्ठा करने के बाद 2 साल तक लगभग डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद हमने उसको प्राइमरी लेवल पर जो है एनालिसिस किया। लगभग हमारे पास 6,000 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है जो हमने उन सूचकों के साथ बातचीत की है, उसका डेटा अगर आप सारा जो डेटा इसका सारा विवरण आप देखना चाहें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से इसी साल राजस्थान के बोली भूगोल सर्वेक्षण से मेरी एक किताब पब्लिश हुई है और वो मार्केट में आ चुकी है। आप उसमें देख सकते हैं कि हमने उसमें सारे सूचकों की जानकारी दी हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस भाषा से, किस कितने सूचकों को हमने उसमें लिया है, कितने उसमें पुरुष सूचक हैं, कितने उसमें महिला सूचक हैं, कितने उसमें यंग हैं, कितने यूथ हैं, कितने किस लेवल पे जो है वो पढ़े लिखे थे, कितने जो है वो बिना पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे करके हमने एक समवेत रूप से एक पूरी की पूरी जो डिटेल में जो है डेटा इकट्ठा किया और डेटा इकट्ठा करने के बाद उसका जो विश्लेषण है उसके बाद हमने 33 जो बोलियाँ हैं इन 33 बोलियों का स्पीकिंग एरिया हमने क्या क्या डिसाइड किया है, उनका भाषिक क्षेत्र, भाषिक क्षेत्र का मतलब है वो बोली कहाँ बोली जाती है। दूसरा हमने उसमें देखा है कि उसकी जो व्याकरणिक जो स्थिति है उसका व्याकरण कैसा है, किस स्टेज पे है, उस पर हमने उसकी बात की और फिर उसको हमने मानचित्रों के माध्यम से सारी की सारी जो बोलियाँ हैं उसको हमने मानचित्रों के माध्यम से जो है इस किताब में पूरी तरह से पूरी डिटेल के साथ दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आप हम आज बात करेंगे तो राजस्थानी की बोलियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर से चलेंगे तो पंजाब से जो मिलती जुलती हमारी जो सीमा है वहाँ पे जो राजस्थानी की जो बोली जाती है, आप ये जो एरिया को देखेंगे तो ये एरिया जो है वो बागड़ी का है। ये जो बागड़ी है ये वर्तमान में जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिले हैं वहाँ पर लगभग बोली जाती है। फिर इसके अगर आप राइट साइड में आएंगे तो ये जो एरिया है इस एरिया में जो है ये आपकी अहिरवाटी है। फिर इसमें नीचे उतरेंगे तो ये जो ग्रे कलर है इसमें आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये बीकानेरी है। इसके बराबर में येलो कलर में आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये मरुबोली का है। इसी के ऊपर एक नीले कलर में एक हिस्सा जो दिखाया गया है ये सिराइकी है जो कि पाकिस्तान की सीमावर्ती हिस्से में बोली जाती है और ये सिराइकी के जो बोलने वाले जो लोग हैं वो दिल्ली में मॉडल टाउन और गुजरावाला टाउन में भी रहते हैं क्योंकि वो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान से इंडिया में आकर के रहने लगे थे। इसके जो नीचे अगर आप थोड़ा सा पश्चिमी उसमें चलेंगे तो थड़ी एक बोली हमें मिली जिसके बोलने वालों की संख्या का हमने वो दिया।
फिर हमने एक एक और बोली हमने पाकिस्तान की एडजोइनिंग जैसे सिराई की है वैसे ही ढाटकी है। ढाटकी में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारे जो सिंधी भाई लोग हैं सिंधियों की उसका ज़्यादा मिक्सन है मिक्सचर है थली और इसके बनस्पत, इसलिए हमने इसको ढाटकी का नाम दिया जो पहले से ही भी नाम दिया हुआ है। और इसमें जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेजेज की जो बुक है एथनोलॉग जिसका नाम टाइटल है अमेरिका से जो छपी है उसमें इन सारी बोलियों के जो इंटरनेशनल जो कोड है उन कोड के साथ इनको दर्शाया गया है, उनके बारे में जो प्रारंभिक जो सूचनाएं जो दी हुई है उसके स्पीकर्स के बारे में उसके दूसरी जो चीज़ें हैं भाषा से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। नीचे आप आएंगे तो देखेंगे ये रेड वाला जो कलर है ये जो है आपका ये जैसलमेरी बोली का क्षेत्र है और जो राजस्थानी की जो सबसे प्रतिनिधि जो बोली मानी जाती है जिसको एक अपने आप में एक राजस्थानी ही मान लिया गया है जिसको हम मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर जो है ये ब्लैक कलर में आप देखेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये मारवाड़ी का है। और अगर आप वैसे अगर जो जो जिस लिटरेचर की बात मैं कर रहा हूँ जो किताबें जो पब्लिश है जिन लोगों ने उसको में वो काम किया है उसमें देखेंगे तो आप ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आपको मारवाड़ी के नाम से ही होगा। इवन ये जो जयपुरी है इसको भी मारवाड़ी के उसमें मानते हैं, शेखावटी को भी इसके उसमें ही मानते हैं। तो ये पूरा का पूरा इतनी सारी बोलियों का एक तरीके से हत्या कर दी गई है और मारवाड़ी की जो बोली है उसको जो है पूरे में ओवरलैपिंग किया गया है जो कि भाषा तात्विक दृष्टि से भाषिक दृष्टि से भाषा का जो डेटा जो उपलब्ध हुआ है उसकी दृष्टि से ठीक नहीं है। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये हरे कलर में जो है वो सिरोही है, फिर ये यहाँ पे मारवाड़ी मेवाड़ी है, ये नीचे देखिए भीली और गरासी ये ट्राइबल डायलैक्ट्स हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान का भारत का जो भाषा सर्वेक्षण 1905 में जो ग्रियसन सर ने जो किया था उसमें भी उन्होंने इन राजस्थान की जो ट्राइबल जो बोलीज हैं उनको जो है वो एक तरीके से छुपा दिया गया ढक दिया गया और उनके साथ इतना अन्याय किया गया कि जो ट्राइबल्स की जो आवाज़ है उसको एकदम से दबा दिया गया। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तो इसमें इधर नीचे जा हाडोती है निमाड़ी है और आप एक एक आश्चर्यजनक तथ्य देखेंगे कि ये एक मीना लैंग्वेज के नाम से जो है वो झालावाड़ से लेकर के और अलवर तक का जो एरिया है ये जो येलो कलर में जो दिखाया गया है ये जो है पूरा का पूरा एक पूरे क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। और मैं इसके बारे में कहने वाला कोई आधिकारिक अकेला आदमी नहीं हूँ। मैं इस आप इसमें देखिए जो मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ जो लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड है पूरी दुनिया की भाषाओं का डेटा की जो किताब है उसका एनसाइक्लोपीडिया है जो कि न्यूयॉर्क से छपा है एथनोलॉग, उसमें आप इंटरनेट पे गूगल पे जाकर के सर्च करके देखिए उन्होंने इसको बाकायदा अपना नाम दिया हुआ है स्पीकिंग इनके इसके स्पीकर्स का नाम दिया हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे ढूंढाड़ी है मेवाती है, आप देखेंगे राजस्थानी का जो स्वरूप जो मिलता है डिंगल और पिंगल के रूप में मिलता है, डिंगल को मारवाड़ी मान लिया माना जाता है और पिंगल को ब्रजभाषा माना जाता है। तो वर्तमान में भी धौलपुर और भरतपुर जो जिले जो दो हैं इसमें राजस्थानी ब्रज के नाम से उसका प्रादुर्भाव अभी भी बना हुआ है। और ऐसे ही आप देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मेवात का हिस्सा है, ये तोरावाटी का हिस्सा है, ऐसे करके बीच में अगर आ जाएंगे तो ये नागौरी है, ये अजमेरी है, ये एको ट्राइबल लैंग्वेज है जो मेर ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती है जो अजमेर से आगे भीम और इसका जो इलाका है ये इसमें मेरवाड़ी है, इधर ये पिंक कलर में देखेंगे तो ये नागरचाली है। और ये जो इस तरह से जो टोटल मिला करके 33 बोलियाँ हैं जो आज भी भाषिक दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं, बोलने वालों की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं और इनका डेटा आपको आज भी मिल जाएगा। ऐसे में आप देखेंगे तो एक और जो ग्रियसन मोदे ने जो अनजस्ट किया वो आप ये हमारे एक प्रिमिटिव ट्राइब है जिसको हम सहरिया बोलते हैं और सहरियाओं का आपने सुना हो तो पिछले जो टेन्योर में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष ने एक आवाज़ उठाई थी कि सहरिया भूख से मर रहे हैं, दीपावली के टाइम की बात है, पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ मैं 2012 की लगभग बात है। तो उसमें बाद में आपने देखा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वहाँ जाकर के सहरियाओं के बीच में गया और उनके उनकी स्थिति के बारे में आकलन किया, तब ये जो ट्राइब है इसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान गया और ये जो है इनकी जो लैंग्वेज जो है आज भी बिल्कुल परिशुद्ध रूप से
एकदम प्योरिटी के साथ जो है एक भाषिक रूप में विद्यमान है, और इसको जो है वो हाड़ौती के बीच में उसमें प्रभाव क्षेत्र में दबा दिया गया है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी जो है इस सर्वे में हमने लगभग 5 ट्राइब्स की लैंग्वेज जो है, बोलियां जो है, डायलैक्ट्स जो है, उसको हमने उसकी स्पीकिंग एरियाज के साथ, उसके भाषिक क्षेत्र के साथ इसमें हमने इस पर इसको प्रकाश में लेकर के आए हैं। तो ऐसे करके ये राजस्थानी की जो 33 बोलियां हैं इसके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे, एक एक का मैप आपको दिखाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे, उस क्षेत्र है उसको बोलने का वो दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आगे हम आज का जो व्याख्यान है उस पर ये देखेंगे कि ये जो व्याख्यान आज हमने आपके लिए क्यों लाए हैं, इसका महत्व क्या है, और इस व्याख्यान को सुनने के बाद, इस क्लास को लेने के बाद आप ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि आपको इस क्लास में आज क्या क्या मिलने वाला है, हम किन किन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, किन किन चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं। और ये जो व्याख्यान है, जैसे मैंने अपने आरंभिक स्टेटमेंट में आपको बताया कि ये जो है RPSC में जो कॉलेज लेक्चरर्स का जो सिलेबस थर्ड पेपर का है उसमें एक पूरी यूनिट के रूप में इसको शामिल किया गया है, तो इसकी जो महत्ता है वो इसमें से कई सारे जो प्रश्न है वो पूछे जाने हैं थर्ड पेपर में, तो उस दृष्टि से भी आप इसको महत्व अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आज की जो क्लास में, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन आस्पेक्ट्स पे इसमें हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो व्याख्यान का जो पहला जो उद्देश्य है ये राजस्थानी भाषा के भौगोलिक आयाम और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उसकी भौगोलिक दृष्टि से उसकी क्या स्थिति है, भाषिक दृष्टि से उसकी क्या स्थिति है। देखेंगे कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में भाषा और बोलियों की पहचान और उसके भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे होता है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसके बाद आप ये भी जानेंगे कि संपूर्ण जो राजस्थान है उसमें भाषा क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती है, उनके उच्चारण की प्रक्रिया कैसी है, उनका व्याकरण कैसा है, उसमें अर्थ की संरचना कैसे होती है, और क्या उन बोलियों के बीच में भी कोई अर्थ को लेकर के कोई अंतर पाया जाता है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। और उनके बीच में जो आपसी जो बोधगम्यता है, आपसी जो म्यूचुअलिटी है वो कितनी किस लेवल की है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान के जो भाषा भूगोल है, बोली भूगोल जिसको आप कह सकते हैं, उसमें हम भाषा के व्यवहारिक पक्षों को भी, व्यवहारिक पहलुओं को भी आपके सामने रखेंगे। और इस समवेत रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज का ये जो व्याख्यान है, आज की जो क्लास है, उसमें हम राजस्थान के आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्या स्थिति है, जिसका वास्तविक क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान का प्रांत है या इसके बाहर भी इसका कहीं और क्षेत्र है, और अगर हम इसमें बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो मालवी है उसकी क्या स्थिति है, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ऐसे जो पूर्वी भाग में जो पाकिस्तान के बाहावल और उसके जो सीमावर्ती एरिया में जो बोली जाती है उसमें उसकी क्या स्थिति है, और अगर आप भोलाना तिवारी जी की किताब आपने पढ़ी और उज्बेकी का उनका अगर आपने रिसर्च पेपर पढ़ा हो तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो राजस्थानी का ही एक स्वरूप है, उसको बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखें तो आप राजस्थानी का जो भौगोलिक जो दायरा है वो बहुत बहुत बड़ा है, उस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क हो सकता है, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, क्योंकि आप राजस्थान सरकार ने एक काम अच्छा किया है कि उन्होंने राजस्थानी भाषा को लेकर के MA के जो पाठ्यक्रम हैं वो चालू किए हैं। और मैं तो सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार कर सकती है जो उसको करना चाहिए, जो सरकारों को करना चाहिए, तो राजस्थानी को BA के प्रोग्राम्स में भी शामिल करना चाहिए और BA में एक सब्जेक्ट के रूप में उसको शामिल करना चाहिए, ताकि राजस्थानी का विकास और ज़्यादा अच्छे ढंग से किया जा सके, लोगों को उसके बारे में और अच्छे से बताया जा सके। आगे हम इस पे देखेंगे तो इसकी जो सीमाओं की जब हम बात करते हैं कि भाई राजस्थानी की जो सीमा के आसपास कौन कौन से जो है बोलियां बोली जाती है, तो इसको आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि हरियाणा से जो मिलती जुलती जो सीमा है उसमें राजस्थानी का अपना एक प्रभाव है, फिर पंजाब से इसकी सीमाएं लगती हैं,
गुजरात से इसकी सीमाएं लगती हैं, मैंने जो शहरिया ट्राइब्स की आपके बात की, मध्य प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं, और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है इसको बोली जाती है, और इसको एक सामूहिक रूप से जो है वो कई कई क्षेत्रों में बोला जाता है, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्रों में भी इसके वक्ता हैं, तो ये इसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र है इसमें इंडो आर्यन भाषा होने के कारण पड़ोसी और संबंधित हिंदी भाषाओं से अलग भाषा है, ये भारत के लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। और नया जो राजस्थान पत्रिका में एक दिन एक नया डेटा जो आया था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये 11 से 12 करोड़ लोगों के बीच द्वारा बोली जाती है। तो आप देखिए 11 से 12 करोड़ लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता, संवैधानिक मान्यता नहीं देने का कितना बड़ा एक अन्याय जैसा है, उसको लिए भी यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी उसके साथ जुड़ करके काम करना चाहिए। इसके साथ अब मेन जो इसमें आपका जो सिलेबस है कॉलेज में आरपीएससी लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो इसकी लिपि के बारे में भी वहाँ पर चर्चा की गई है, और इस लिपि को भी हम आगे की क्लास में जो है वो डिटेल से इसके वो उसके लेकर के आएंगे इसके अल्फाबेट्स के साथ। और ये जो है ये जो लिखने की जो प्रक्रिया है इसकी आप अगर देखें तो राजस्थानी जो वर्तमान में जो है वो 4 लिपियों में लिखी जाती है। एक देवनागरी है जो उसकी सर्वमान लिपि है, एक दूसरी जो है जिसको मोंडी लिपि या मोंडिया लिपि बोलते हैं, जिसको पाण्यवाटी भी राजस्थान में एक नाम से जाना जाता है क्योंकि वो व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं बनिया कम्युनिटी जो है जिसको हम कह सकते हैं उनके द्वारा उसको गुप्त तरीके से लिखा जाता है अपने बहियों में अपने हिसाबों में। और आप अगर देखेंगे तो हमारे गांवों में जो एक कम्युनिटी होती थी उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोलते हैं, जागा की पोथी उसका हिंदी में एक नाम है, तो उनकी जो लिपि है वो भी वो मोंडी लिपि ही है, क्योंकि मोंडी लिपि में मैंने देखा इसकी लिपि के बारे में जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था समझ रहा था तो इसमें जो है मात्राओं का कम से कम प्रयोग है, मात्रा नगण्य रूप में एक दो उसके साथ मात्रा लगती है, बाकी बिना मात्रा के लिखे जाते हैं। और उनका जो लिखने का जो तरीका है वो एक अलग तरीके से उसको लिखने का प्रक्रिया है। तो अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में अगर इसको बात करें तो राजस्थान में इसको मोंडी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है पाकिस्तान की जो लिपि है उसमें लिखा जाता है, उर्दू में, उर्दू का उसमें वो है। अगर हम इसको सिंध प्रांत की तरफ ले जाएंगे तो इसको सिंधी में लिखा जाता है। तो ऐसे करके इसको जो है 3-4 लिपियों में लिखा जाता है, पर प्रमुख रूप से इसकी जो लिपि है वो देवनागरी और मोंडी लिपि ही मानी जाती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बात जो बात कहने की है, ये जो मोंडी लिपि है इस मोंडी लिपि का एक और नाम जो है वो महाजनी लिपि भी है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की लिपि है इसलिए इसको महाजनी लिपि भी कहा जाता है, और वर्तमान में इसे आधुनिक देवनागरी लिपि में लिखा जाता है जैसे मैं आपको बता रहा था। और पाकिस्तान में इस भाषा को लिखने के लिए सिंधी और उर्दू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे करके अगर आपको सवाल आता है कि भाई राजस्थानी भाषा को कौन कौन सी लिपियों में लिखा जाता है, जैसे संगत असंगत के सवाल होते हैं या सही गलत के सवाल होते हैं, तो आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हम एक ऐतिहासिक तथ्य पर भी बात करना चाहते हैं, और वो ऐतिहासिक तथ्य ये है कि राजस्थानी जो भाषा है जिसको हमने उसकी जो मारवाड़ी है उसको प्रतिनिधि बोली माना हुआ है, तो ये जो मारवाड़ी है इसका भी जो एक नाम जो प्राचीन नाम है वो मरुभाषा था। और मरुभाषा को अगर आप देखें तो गुजराती और जो मरुभाषा है वो दोनों लगभग लगभग एक जैसी हैं, और आपने चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो पर मैंने भाषा विज्ञान के स्टूडेंट्स के रूप में इसको पढ़ा है और ये पाया है कि राजस्थानी जो भाषा है वो जो अपभ्रंश के जिस रूप से जो है विकसित हुई है उसमें भी लोगों के कई विचार हैं, पर मेरा अपना जो विचार है वो विचार जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी के उत्पत्ति का जो मत के साथ मैं हूँ, क्योंकि मरुभाषा और गुजराती जो है वो गुजरी अपभ्रंश से ही बनी है और उसी से फिर बाद में जाकर के मारवाड़ी बनी है। कुछ लोग इसको जो है सोरसेनी अपभ्रंश से भी मानते हैं, कुछ लोग नागर से भी मानते हैं, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। पर मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि राजस्थानी जो भाषा का जो प्राचीन नाम है वो है मरुभाषा,
और कालांतर में ये डिंगल कहलाने लगी। मरुभाषा के बाद इसको जो है साहित्यिक रूप से डिंगल कहा जाने लगा। फिर इसका एक जो स्वरूप है वो पिंगल भी कहा जाने लगा। और इसी नामकरण के साथ साथ राजस्थानी में समृद्धतम साहित्य की रचना हुई। किस नाम के साथ? डिंगल के साथ। आधुनिक समय में मोटे तौर पर इसे राजस्थान ही कहा जाता है और यही सर्वमान्य नाम है, क्योंकि राजस्थान में जो बोली जाती है उस भाषा का नाम राजस्थानी भाषा है। इसमें हम अगर बात करते हैं आखिर में, तो ये पाते हैं कि राजस्थानी से हमारा अभिप्राय उसी परंपरागत मरु एवं डिंगल भाषा से है जिसमें महाकवि सूर्यमल जी ने जो है वंश भास्कर की रचना की, और उन्होंने स्थान कई स्थानों पर जो है इसी मरु भाषा और डिंगल का जो है इस्तेमाल किया भाषा के रूप में। बाद में जो राजस्थानी के रूप में इनका जो वो हुआ उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि राजस्थानी को सबसे पहले कब यूज किया गया। आप अब अगले हम उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि जो राजस्थानी जो भाषा है उसका भाषा वैज्ञानिक जो है, भाषा वैज्ञानिकों का उसके बारे में क्या मानना है, भाषा वैज्ञानिकों की राय जो क्या है। तो आप इसमें देखेंगे तो भाषा वैज्ञानिक जो है राजस्थानी भाषा को साहित्यिक रूप से समृद्ध मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषिक गुणों की दृष्टि से भी राजस्थानी भाषा जो है हिंदी से प्राचीन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके सारे के सारे साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है, वो आगे की क्लास में आपके सामने मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो हम ये देखेंगे कि जो भाषा वैज्ञानिकों ने जो इसके बारे में जो बात की है उनका जो आंकलन है वो ये है कि राजस्थानी भाषा के भौगोलिक आयाम और उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को जानने के लिए ये जो आज का जो विषय है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि राजस्थानी के राजस्थान के विभिन्न अंचलों की जो भाषा है, बोलियाँ हैं, उनकी पहचान और उनके भौगोलिक क्षेत्र को हम कैसे इसके में वो कर सकते हैं। इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के भाषाई क्षेत्र में अंचलों में कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती है। जो मैंने आपको पिछले जो मानचित्र में 33 बोलियों की जो बात की, उनके उच्चारण की प्रक्रिया क्या है, व्याकरण क्या है, अर्थ में क्या अंतर पाया जाता है, और उनकी जो आपसी जो बोधगम्यता है, आपसी जो म्यूचुअलिटी है, उसकी वो कितनी आपस में एक दूसरे के नज़दीक है या दूर है। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि राजस्थानी भाषा को जो है आप भाषा के व्यवहारिक पहलुओं को भी हम जान सकेंगे। ऐसे में हम देखेंगे तो ये जो है आर्य भाषाओं में एक समृद्ध भाषा के रूप में राजस्थानी का अपना एक प्रभाव है। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो राजस्थानी जो भाषा की जो उत्पत्ति है उसके बारे में जो हम बात करेंगे तो राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी जो शब्द है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा मैं आपसे कह रहा था तो ये इसके अगर सबसे पहले जब देखते हैं तो आप पाते हैं इसमें कि राजस्थानी का जो भाषा का जो सबसे पहले जो साहित्यिक रूप जो उभरा वो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इसका वो स्वरूप मिलता है। और ये जो है 7वीं जो है पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध भाषा मानी जाती है। इसको अगर आप भाषिक दृष्टि से देखें, देखिए राजस्थानी जो साहित्य है इसको जो है पूरी दुनिया में जो है 16वीं रैंकिंग है, मतलब पूरी दुनिया में ये नंबर ऑफ स्पीकर के हिसाब से जो है 16वीं बड़ी भाषा है और भारत में ये 7वीं बड़ी भाषा है। विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश सीताराम लाड़स जी ने राजस्थानी भाषा में ही राजस्थानी हिंदी शब्दकोश लिखा और इसमें जो है लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा जो है वो मौलिक शब्दों को उन्होंने स्थान दिया है। तो ये आपकी जो विकल्पात्मक जो परीक्षाएं आती है, चाहे वो रीट की एग्जाम हो चाहे वो PSI की हो, उसके लिए जो ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विश्व की जो है वो 16वीं भाषा राजस्थानी है सबसे बड़ी, भारत की 7वीं है। दूसरा जो इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश किसी भाषा के पास है तो वो राजस्थानी भाषा के पास है। उसको लिखने वाले जो है वो सीताराम लाड़स जी हैं और इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख और मौलिक शब्दों को स्थान दिया गया है। इसी के साथ साथ मैं एक और ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि सिरोही में एक शिलालेख मिला है। इस शिलालेख में अगर हम देखें तो हम राजस्थानी और राजस्थान का उल्लेख जो है वो पहली बार इस शिलालेख में पाते हैं। और गुजराती के बारे में गुजरात के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनका नाम है जयचंद मेघानी, और उनके अनुसार जो है
गुजराती का मूल नाम राजस्थानी ही था। ये जैसा मैं आपसे कह रहा था, जो हमारे जो मरुभाषा है, ये जो मरुभाषा है, ये मरुभाषा जो है ये गुजराती से मिलती जुलती है। तीसरी जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था वो ये है कि इंडो आर्यन परिवार की अन्य जो भाषाएं हैं उसमें गुजराती प्राकृत और अपभ्रंश से ली गई है, और गुजराती भाषा की में जो व्यापक रूप से उपयोग की जाती है बाद में ये विकसित हो गई गुजराती भाषा, पहले ये जो है मरुभाषा में राजस्थानी का एक रूप था। मूल रूप से गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली पुरानी राजस्थानी, जिसपे आप अगर देखेंगे तो उन्होंने नामवर सिंह जी ने उसका अनुवाद किया, पुरानी राजस्थानी जो किताब थी एलपी टेसिटरी की, उसके बारे में बात की, और ये मारू गुजर के रूप में जो है जानी जाती है। इस क्षेत्र में 11वीं और 14वीं जो शताब्दी के बीच में अपभ्रंश से या प्राचीन गुजराती बोली बोली जाती थी, और इसी आधार पर ये कहा जाता है कि जो राजस्थानी है उसका जो विकास जो हुआ है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। तो गुजरी अपभ्रंश के पीछे की जो लॉजिक है वो यही लॉजिक है, और इसमें आप देखेंगे तो 15वीं शताब्दी में गुजरात के सल्तनत की स्थापना के बाद पुरानी गुजराती का विकास हुआ, और लेकिन ये 17वीं शताब्दी में आधुनिक गुजरात की नींव रखी गई। तो ये जो मरुभाषा और गुजराती के जो अलग होने की जो प्रक्रिया थी वो लगभग लगभग 15वीं शताब्दी में हुई, और 15वीं शताब्दी से अगले 200 साल जो आए, दो शतक आए, उसमें 17वीं शताब्दी में गुजराती जो है वो राजस्थानी से बिल्कुल अलग हो गई। इस दृष्टि से देखेंगे तो ये दोनों जो भाषाएं हैं वो साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है, और भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से जब हम बात करते हैं कि जैसे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पर जब हम बात करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि राजस्थानी की जो उत्पत्ति है उसमें विद्वानों के जो है वो मत एक नहीं है, एक मत नहीं है, कई मत हैं। उसमें से जो है कुछ लोगों का मानना है कि वो शोरसेनी अपभ्रंश से बनी है, कुछ का मानना है कि वो नागर अपभ्रंश से बनी है, और कुछ का मानना है कि वो गुर्जरी अपभ्रंश से बनी है। ये जो तीन मत है ये प्रमुख मत है, इसके अलावा भी दो तीन मत है, पर ये जो तीन है ये ही प्रमुख माने जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मानने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का जो मत है वो गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास मानते हैं। ये भाषा तात्विक दृष्टि से भी और भौगोलिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी ज़्यादा सटीक बैठता है। इसलिए आपको अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें शोरसेनी और गुजरी दोनों मिलती है तो आप गुजरी के साथ जाइएगा, क्योंकि गुजरी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ज़्यादा निकट है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं, जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक सार्थक है। अपभ्रंश की जो मुख्यतः जो पांच जो शैलियां हैं जिसमें शोरसेनी, गुर्जरी, नागर, ब्राचड़, उपनागर माने जाते हैं, इसमें से ये जो पहली जो दोनों हैं ये राजस्थानी से संबंधित है। कई लोग तीसरी से भी मानते हैं, पर इसमें जो है हम लोगों का मानना है कि ये गुर्जरी अपभ्रंश से ही बनी है। और ये गुजरी अपभ्रंश से कब बनी है इसका भी एक प्रमाण हमें मिला है कि ये लगभग 800 ईस्वी के आसपास जो है राजस्थानी भाषा गुजरी अपभ्रंश से सेपरेट होने लगी थी, अलग होने लगी थी। और कुछ विद्वानों का मानना है जो शोरसेनी से जो राजस्थानी की जो उत्पत्ति मानते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है 1000 ईस्वी के लगभग जो है उससे शोरसेनी से बनी। तो अगर मान लीजिए ये दोनों मत को भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये पाते हैं कि भाई 1000 और 800 में दोनों में 200 साल का फर्क है, दो शताब्दियों का फर्क है। उसमें अगर गुजरी की बात जो कहने वाले लोग हैं तो इसलिए मैं कह रहा था ऐतिहासिक और भाषिक दृष्टि से जो है वो गुजरी अपभ्रंश से ज़्यादा नज़दीक है। गुजराती का मिला जुला रूप जो है वो 16वीं शताब्दी के अंत तक चला, और ये 1800 से लेकर के लगभग 800 साल तक जो मरुभाषा और गुजराती है इन दोनों का जो है मिला जुला रूप चला। और जैसा मैंने पिछले आपको उसमें बताया था कि 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी का विकास स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा, और 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। राजस्थानी भाषा के इतिहास से ज्ञात होता है के विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलव माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरुभाषा को शामिल किया गया है। कवित कुशल लाभ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल की आयने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मारवाड़ी का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो अबुल फजल ने और कुशल लाभ ने किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि राजस्थानी की जो बोलियों में जो वर्णात्मक जो उसकी जो चीज़ें हैं 1907 से 1908 के बीच में जो ग्रियर्सन ने जो सर्वे किया 1905 में, उसमें राजस्थानी को जो है एक सेपरेट जिल्द में, एक सेपरेट वॉल्यूम में रखा गया है, और उस वॉल्यूम में जो है इसको जो है भारतीय भाषा विषय विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के दो खंडों में प्रकाशित किया गया। ग्रियर्सन जी का जो राजस्थानी से संबंधित जो काम है वो दो खंडों में प्रकाशित हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक जो 1905 के बाद जो सर्वे है वो 2009 से लेकर के 12 के बीच में मैंने किया था, हमारी टीम ने किया था, और उसको भी आपके सामने प्रकाशित हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम इसके तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर 1914 से 16 के बीच में इटली के एक विद्वान हुए एलपी टेसिटरी, और इन्होंने जो ये महाराजा गंगा सिंह जो थे बीकानेर के, उन्होंने इनको चारण साहित्य के ऊपर अध्ययन करने के लिए कोई काम सौंपा था, और उस काम को सौंपने के बाद जो उन्होंने इंडियन इक्वेलिटी पत्रिका के अंकों में राजस्थानी से संबंधित इसकी उत्पत्ति और विकास पर भी अभूतपूर्व ग्रंथ के रूप में प्रकाश डाला है। तो ग्रियर्सन, टेसिटरी, नरोत्तम स्वामी, हीरालाल माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया जी, सुनीति कुमार चटर्जी, केसी अग्रवाल जी जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जो है अपने अपने तरीके से किया है। इसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं जो क्षेत्रीय रूप है उसके आधार पर राजस्थानी बोलियों को दिया है। इसके बाद जो मैं आपसे जो बात कर रहा था राजस्थान का जो बोली भूगोल का हमने जो सर्वेक्षण किया उसके आधार पर उसके पुस्तक रूप में प्रकाशित होने के बाद उसमें देखते हैं तो मैंने जो इसको जो राजस्थानी की जो बोलियां हैं उसको 7 शैलियों में बांटा है, और उसमें जो इन 7 जो प्रकार है उसमें हमने 33 बोलियों को जो है समेटा है, उसमें उसको प्रकाशित करने की कोशिश की है। तो ये आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं, राजस्थान का बोली भूगोल सर्वेक्षण है, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से इसी साल प्रकाशित हुआ है। इसमें जो है राजस्थान का जो है वो पूरा डिटेल सर्वे किया गया है, और उस गहन सर्वे के बाद ही जो है वो उसको पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ साथ इस सर्वे में जो है सूचकों द्वारा बताई गई सूचनाओं, भाषिक विशेषताओं, रिकॉर्डिंग और सामग्री संकलन के द्वारा सारी सामग्री को इकट्ठा किया गया है, जो कि भाषा के सामग्री को इकट्ठा करने के वैज्ञानिक जो स्वरूप है, वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं वो यही 4 मानी जाती हैं। सर्वेक्षण का कार्य रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी किया गया है और उसको विश्लेषित किया गया है। विश्लेषण में भाषा विज्ञान और बोली विज्ञान के सर्वमान सिद्धांतों को आधार बनाया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल कोई चीज़ें हैं, वो सारी की सारी ऑन डेटाबेस रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है उसका प्रकाशन किया गया है। आगे आप देखेंगे तो हम इसकी जो भाषाई जो स्थिति है, राजस्थानी भाषा की जो भाषाई स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, और आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी बोलियों के ध्वनि स्तर पर जो हम जिस सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं उसमें सभी बोलियों का जो है ध्वनि स्तर पर डिस्कशन किया गया है, शब्द स्तर पर बात की गई है, रूप संरचना, क्योंकि भाषा के 3 जो चीज़ें हैं यही उसका मुख्य आधार मानी जाती हैं, यही उनके मेरुदंड है, यही उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसी 3 के आधार पर हमने सर्वेक्षण पर जो हर बोली का जो है विश्लेषण किया है, और इसमें तथ्यात्मक विश्लेषण करके सभी जो बोलियां हैं उनके भाषी मानचित्रावलियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिसको मैंने पिछले शुरुआत में आपको एक डायग्राम मैप के माध्यम से बताया, और अगले वाली जो क्लास में हर बोली का जो स्पीकिंग एरिया है उसके हिसाब से हम आपको एनलार्ज करके उसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे। भाषा शास्त्रियों की दृष्टि से राजस्थानी का भारतीय भाषाओं में 7वां और विश्व में 16वां स्थान है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती लोग इसको रोजमर्रा की जिंदगी में राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी राजस्थानी की सहजता से बोली समझी जाती है। वहाँ पर भाषा का से नाता रखने वाली कई संस्थाएँ भी सक्रिय हैं। राजस्थानी भाषा बहुत पहले विश्वविख्यात है। मूर्धन्य भाषा भोलानाथ तिवारी ने अफ्रीका और अफगानिस्तान तक इसका फैलाव माना है, जो मैंने आपको उज्बेकी का
बात बताई कि मौलाना तिवारी जी ने एक अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया था, उसमें उन्होंने इन दोनों स्थानों पर भी इसका प्रभाव माना। ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के दर्जनों विश्वविद्यालयों में राजस्थानी साहित्य पर शोध कार्य हुए हैं। आज भी शोधार्थी राजस्थानी साहित्य में संपदा में हरदम कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं। इसका एक कारण है इंटरनेट, जहाँ राजस्थानी को हर किसी ने चाहा है, सम्मान दिया है। राजस्थानी जीवंत भाषा है। भक्ति, ज्ञान, श्रृंगार, वीरता से परिपूर्ण राजस्थानी साहित्य हमारे देश के 1000 वर्षों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अतीत का साक्ष्य सुरक्षित रखता है। ये एक एक मोनूमेंटल भाषा भी है। आप हमारी राजस्थान की पांडुलिपियों को देखेंगे, राजस्थान के प्राचीन साहित्य को देखेंगे, तो उस रूप में ये जो है भारतीय इतिहास को भी एक बहुत अच्छे से जो है अपना योगदान देती है, जिसको हमारी जो जो हमारे जो संग्रहालय हैं, हमारे जो उसमें उनको सबको समेट करके रखा हुआ है। तो ये इसकी जो है भाषा स्थिति है। उसके बाद हम आगे इसकी बात करेंगे कि इसके जो संवैधानिक जो मान्यता का जो एक बड़ा प्रश्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो हमारे जो राजनीतिक जो जो लोग हैं, नेता जो लोग हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और असेंबलीज में करते हैं, वह पार्लियामेंट और असेंबली में जाकर के चुप क्यों हो जाते हैं। तो इस पर भी हमने एक बात करने की कोशिश करेंगे कि अब समय आ गया कि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता देकर देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से राजस्थानी से जुड़े 12 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए, क्योंकि राजस्थानी राजस्थान की तो अस्मिता है ही, देश का भी गौरव है। राजस्थान में करीब 70-75 बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से जो किताब जो पब्लिश हुई है उसमें 32-33 बोलियों को जो है भाषिक क्षेत्र को अंकन किया गया है। ये सब राजस्थानी का गौरव बढ़ाती है। बोलियों की विविधता के बावजूद राजस्थानी एक मानक स्वरूप भी है जो पूरे प्रदेश में सहज रूप से स्वीकृत है। अपने पुरातन साहित्य, समृद्ध व्याकरण, वृद्ध शब्दकोश, राजस्थानी भाषा विशाल जनसमुदाय के कारण संपूर्ण राजस्थान में जो है एक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, और भाषा वैज्ञानिक जगत में भी इसको पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। राजस्थान के बोली भूगोल सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सामग्री डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, एलपी टेसिटरी, अन्य भाषाविदों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रियसन के भाषा सर्वेक्षण में राजस्थानी से संबंधित अपने निष्कर्षों में कई तथ्यों को छिपाया और अनेक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, जिसको राजस्थान के बोली भूगोल सर्वेक्षण की जो हमारी जो किताब है उसमें जो है उसको ठीक से उसको रखने की कोशिश की गई है। ग्रियसन ने राजस्थानी को 5 उपभाषाओं में वर्गीकृत किया। उनमें से कई भाषाओं बोलियों में व्यतिरेकों को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे में समाहित मान लिया, जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कतई ठीक नहीं है। ये जो है जो ग्रियसन का जो सर्वे था उस पर जो सवाल जो उठ रहे हैं, उस पर जो सवाल उस समय भी उठे थे, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसका राजस्थान सरकार को एक अलग से सर्वे करवाना चाहिए कि भाई राजस्थानी की जो है वर्तमान स्थिति क्या है और उसको किस तरह से वो देखती हैं। जो बोली भूगोल सर्वेक्षण की जो किताब है उसके बारे में आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने जो चर्चा करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, वो ये है कि बोली भूगोल के पाठ्यक्रमों को स्थान देकर अधिक रोचक बनाना सरकार का दायित्व है। और अभी जो नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें तो आप मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है राजस्थानी भाषा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे जो है सरकार को इसके क्षेत्र में भी काम करना चाहिए और इसकी महत्ता को और उपयोगिता को जो है समझना चाहिए। राजस्थान का बोली भूगोल विषय जो है एकदम नया विषय था। अभी तक इस पर किसी ने ज़्यादा इस पर काम भारत में पूरे देश में कहीं हुआ नहीं है। कैलाशचंद भाटिया जी ने एक किताब जरूर इस पर लिखी थी। कुछ जो लोग हैं व्यक्तिगत लेवल पे कई, जैसे महेंद्रनाथ दुबे जी जो हिंदी संस्थान के पहले डायरेक्टर थे, या उनकी जो बेटी है ललिता दुबे, उन्होंने और कुछ लोगों ने जो है छोटे छोटे जिलों का और छोटे छोटे एरियाज का जो है सर्वे अपने लेवल पे किया है। मेरे अंडर में भी एक राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी सबमिट हुई है, अवार्ड हुई है, उसमें हमने सीकर का जिले की जो बोली है उसका सर्वेक्षण करवाया है। और हम मेरे अंडर में एक और पीएचडी जो है वो हो रही है, चल रही है, उसमें हमने जो सांसी बोली जो है, सांसी बोली के ऊपर जो है हम उसके कुछ गूढ़ जो तत्व हैं उनको हम प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी हम काम करवा रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना अधिक समीचीन होगा कि भारत की पराधीनता के समय जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा का सर्वेक्षण करवाया था, किंतु उसको वैज्ञानिक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ग्रियर्सन महोदय ने सारा का सारा सर्वे तत्कालिक पटवारियों द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर करवाया था, जो कि वैज्ञानिक नहीं है।
इस वैज्ञानिक युग में पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर किए गए भाषा सर्वेक्षण को उचित मानना ठीक नहीं होगा। इस सर्वेक्षण की कलाई उसी समय खुल चुकी थी जब एलपी टेसिटरी ने राजस्थानी भाषा और व्याकरण के मानक लेख में जो तथ्य प्रस्तुत किए वो चौंकाने वाले थे। स्वयं टेसिटरी ने सर्वे को लापरवाही और जल्दबाजी में तैयार किया दस्तावेज मात्र की संज्ञा दी और ऐसी स्थिति में तार्किकता की कसौटी पर कसे सिद्धांतों के आधार पर राजस्थान का बोली भूगोल और सर्वेक्षण नए द्वार खोलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए ये जो किताब है ये आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसके आधार पर या अपना सेपरेट आधार पर जो भी वो आधार लेना चाहे राजस्थान का एक सर्वे जो है वो राजस्थान सरकार को करवाना चाहिए। इसके बाद हम जो बात करना चाहते हैं वो जो बोलियों का जो आपका जो सिलेबस में रखा गया है बोलियों को, वस्तुतः मैंने बोली भूगोल का नाम दिया है क्योंकि जो बोलियां होती है वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर बोली और समझी जाती है। वो एक कहावत भी है राजस्थान में कि कंठ पे बोली का और बोली पे भौगोलिक क्षेत्र का जो है प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में जो है उसको उन तथ्यों को देखना चाहिए। क्योंकि बोली भूगोल का शिक्षण की दृष्टि से व्यापक महत्व है, अतः अध्ययन के कई उद्देश्य भी हैं और इसमें जो हमने जो इसको जो सर्वे जो हमने जो काम किया है सर्वे का उसके जो उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो पहला उद्देश्य तो इसमें यही था कि इसके आधार पर भाषा शिक्षक, अनुवादक, कोषकार, व्याकरण अपने अपने काम की सामग्री तैयार करने में सक्षम होंगे। दूसरा उसका था कि प्रतिपादित सिद्धांतों के द्वारा भाषा शिक्षण सामग्री का निर्माण करवाया जा सकेगा, जो कि मैं आपको अभी आप कह रहा था कि नई शिक्षा नीति में जो है मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देनी है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देनी है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसका जो है एक डेटा होना जरूरी है और उसका एक 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 मानक स्वरूप होना जरूरी है कि आप किस में आप उसकी जो है सामग्री तैयार करवाएंगे। भाषा शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों के कारणों का ठीक ठीक से जो है बोली भूगोल के माध्यम से आकलन किया जा सकता है और द्वितीय भाषा शिक्षण में के आधार पर भाषा या लक्ष्य भाषा को सीखने में पैदा होने व्याघातों को जो व्यवधान है उनको जो है उनकी ठीक करने में मदद मिल सकती है। और इसमें जो है इसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर आगे के जो सर्वेक्षण है जो होने चाहिए, जो चाहे वो भारत का भाषा सर्वेक्षण नए सिरे से हो चाहे राज्य का सर्वेक्षण नए सिरे से हो, उसकी बहुत ज़रूरत है, वो करना चाहिए। और राजस्थान की बोलियों के सर्वेक्षण के इस कार्य में अज्ञात पड़ी अनेक बोलियाँ प्रकाश में लाई गई हैं। इससे एक तरफ राजस्थानी भाषा अधिक समृद्ध होगी और राजस्थानी की समृद्धता से हिंदी अधिक संपन्न होगी। ये सर्वेक्षणात्मक अध्ययन का सात्विक उद्देश्य था। और इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो राजस्थानी बोलियों का जो वर्गीकरण की जो हम बात कर रहे थे, जो विभिन्न विद्वानों ने जो किया है उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं ताकि अगली वाली जो क्लास हमारी है उसमें इसका एक आउटलाइन मिल सके कि आगे हम जो चर्चा करेंगे उसकी आउटलाइंस क्या होंगी। बोली भूगोल के पाठ्यक्रमों को स्थान देकर अधिक से अधिक रोचक बनाने के लिए सर्वांगीण महत्व के कार्यों को करना चाहिए। अस्तु संक्षेप में कह सकते हैं कि ये जो है इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसमें जो है आप आगे इसके जो गूढ़ विषय हैं उसको ला कर के प्रकाश में लाया जा सकता है। आगे भारत और राजस्थान की बोली भूगोल और उनके सर्वेक्षण को आगे सरकार को बढ़ाना चाहिए जैसा मैं आपसे कह रहा था। ऐसा इसमें ये भी जो है कि जो ग्रेजुएशन के टाइम पे जो चीज़ें छूट गई उन चीज़ों को भी पूरे भारत का जो सर्वेक्षण की जो मैं बात कह रहा हूँ, हो सकता है राजस्थान में जितना हुआ वो और भी पूरे देश में ऐसा ही हुआ होगा। तो जैसे हम हर चीज़ की तुलना जो हम पाकिस्तान से करते हैं तो पाकिस्तान से हम इस क्षेत्र में भी तुलना कर लें कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ जो है एक बार नहीं दो बार पूरे पाकिस्तान का भाषाई सर्वेक्षण करवा लिया है, तो फिर भारत सरकार क्यों नहीं करवाना चाहते, उनको भी करवा लेना चाहिए। पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ों से तुलना करते तो इससे भी कर लें आप। इसमें जो हम बात करते हैं कि जो जो रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें जल्दबाजी में बनाई गई थी तो उसकी जो तार्किकता है वो उस पर प्रश्न चिन्ह पहले ही लग चुका है, तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो इसका जो है आगे इसकी जो परतें खुल सकती है। और जो बोलियों का जो वर्गीकरण हमारे सामने आया है उसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार जो उसको सबमिट किया है, उसको प्रस्तुत किया है, उसको प्रकाशित भी किया है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो जो है वो ग्रियर्सन महोदय और एलपी टेसिटरी की बात करेंगे क्योंकि ये दोनों समकालीन थे और इन्होंने लगभग लगभग एक ही परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को देखा था जब ये सारी चीज़ें घट रही थी। तो ग्रियर्सन महोदय ने जो राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया है उन्होंने उसके
पांच आधार माने हैं। पहला है, उन्होंने माना है पश्चिमी राजस्थानी और उसकी बोली है मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां माना है। दूसरा, उन्होंने माना है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, इसमें मेवाती और अहिरवाटी को रखा है। तीसरा, उनका जो मत है वो मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियों को रखा है। चौथा जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, इसमें मालवी और आंगड़ी को रखा है। और पांचवा उनका जो वो मत वो है आधार है, उसमें उन्होंने दक्षिण राजस्थानी, इसमें उन्होंने निमाड़ी बोली को रखा है। और मैं यहीं पे इसका सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता हूँ कि जो पूरे के पूरे दक्षिण राजस्थान में जो आदिवासी बहुल जो इलाका है उसमें, और पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा आदिवासी बहुल इलाका है, उनकी जो भाषाओं को जो है ग्रियर्सन ने मनमाने तरीके से जो है एक दूसरी भाषा से ओवरलैपिंग दिखा दी है। ऐसे एचपी टेसिटरी ने ग्रियर्सन से इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है और उन्होंने बड़ी सटीकता से इसके बारे में बात की है। तो उनका कहना है कि ये 1914 से 1919 तक जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहकर चारण भाट साहित्य का अध्ययन किया था और ये जो काम जो है ये महाराजा गंगा सिंह जी ने इनसे करवाया था। टेसिटरी की ने इसके बेसिस पे एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का जो है वो टाइटल है द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉर्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ये उनकी किताब का नाम है। ये आपके जो है उसके परीक्षा की दृष्टि से भी, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसी आधार पर जो चारण साहित्य का जो उन्होंने जो अध्ययन किया गंगा सिंह जी के निर्देशानुसार, उसके बाद भी उन्होंने दो किताबें लिखी और वो जो किताबें जो है वो राजस्थानी भाषा के ऊपर जो है बहुत अच्छे से उसका ऊपर प्रभाव डालती हैं। उस किताब में जो है पहली किताब है उसका नाम है राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। दूसरा उसका जो नाम है वो पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण है, जिसको नामवर सिंह जी ने जो है पुरानी राजस्थानी के नाम से अनुवाद किया है और ये उन्हीं की किताब है। ऐसे में अगर हम देखें तो डॉक्टर एलपी टेसिटरी जो थे वो राजस्थान को दो यूनिट में बांटते थे कि एक राजस्थान में बोली जाने वाली और एक मालवा में बोली जाने वाली। इसी आधार पर उन्होंने इसको दो दो क्षेत्रों में बांटा है। पहली का जो नाम है वो पश्चिमी राजस्थानी के नाम से दिया है और इसकी प्रतिनिधि बोलियों में जो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी को रखा है। पूर्वी राजस्थानी की जो प्रतिनिधि बोलियां हैं उसमें उन्होंने ढूंढाड़ी, आडोती, मेवाती और अहिरवाटी को रखा है। तो ये जो दोनों का जो जॉर्ज ग्रियर्सन और एलपी टेसिटरी का जो अपना जो मत है, उनके जो लॉजिक्स हैं, उनके जो तर्क हैं, उसके आधार पर उन्होंने जो अपना प्रस्तुत किया है उसको मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ऐसे ही मैं आगे जो ये दोनों विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने एक ही समय में काम किया, अब हम जो भारतीय जो विद्वान हैं, भारतीय लोगों ने इस पे जो काम किया उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे तो हमने इसको सबसे पहले देखते हैं तो इसमें मेन जो बात है वो नरोत्तम स्वामी और मोतीलाल मीनारिया जी का काम आता है। नरोत्तम स्वामी जी और मोतीलाल मीनारिया जी ने राजस्थानी भाषा के का जो वर्गीकरण किया है, उसकी जो बोलियों को जो अध्ययन की सुलभता की दृष्टि से उसको वर्गीकृत किया है, उसमें नरोत्तम स्वामी जी ने इसके चार वो बताए हैं। पहली में उन्होंने पश्चिमी राजस्थानी में जो है मारवाड़ी को रखा है, पूर्वी राजस्थानी में उन्होंने ढूंढाड़ी को रखा है, उत्तरी राजस्थानी में उन्होंने मेवाती को रखा है और दक्षिणी राजस्थानी में उन्होंने मालवी को रखा है। जो चार जो प्रमुख जो बोलियां हैं उसमें पूरी राजस्थानी को ओवरलैपिंग नरोत्तम स्वामी जी ने कर दिया। ऐसे ही जो पंडित मोतीलाल मीनारिया जी हैं उनका जो वर्गीकरण है उस भी के ऊपर भी हमें प्रकाश डालना चाहिए। और उन्होंने इसको जो है वो पांच पांच रूपों में रखा है और उनका एक में वो मारवाड़ी रखते हैं जैसे नरोत्तम स्वामी जी ने रखा, एक मालवाली रखते हैं, मालवी भी इन्होंने रखा, ढूंढाड़ी रखते हैं ये भी स्वामी जी ने रखा, मेवाती रखते हैं ये भी इन्होंने रखा, और इन्होंने एक पांचवा अपना नाम दे दिया बागड़ी का। ये जो मोतीलाल मीनारिया जी और नरोत्तम स्वामी जी का दोनों का अंतर है, दोनों का व्यतिरेक है, दोनों की तुलना है। तो आपको ये भी प्रश्न आ सकता है संगत असंगत में कि नरोत्तम स्वामी जी ने कौन कौन से रखे और मोतीलाल मीनारिया जी ने कौन कौन से रखे, या मोतीलाल मीनारिया जी और नरोत्तम स्वामी के बीच में अंतर कौन सा था। इसी तरह जो मोतीलाल मीनारिया जी ने उस समय जो है जो भाषिक जो काम किया, जो भाषा के जो बोलियों का जो वर्गीकरण किया, उसके अलावा उन्होंने पांच किताबें और लिखी, वो भी इतिहास की दृष्टि से, राजस्थानी साहित्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है। उसको आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा उनकी एक किताब है,
राजस्थानी में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में उनकी एक किताब है। राजस्थानी भाषा और शायद उनकी ये प्रसिद्ध किताब है। डिंगल के वीररस उनकी एक किताब है। राजस्थान का पिंगल साहित्य उनकी एक किताब है। हाला झलारी कुंडलियाँ ये उन्होंने संपादित की थी। तो ये मोतीलाल मेहनारिया जी का जो साहित्य है, भाषा के अलावा उनका जो योगदान है, उसको भी हमने आपके सामने रखा है, तो ताकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इसमें से भी सवाल बन सकते हैं। अब मैं आखिर में एक जो मैं बात कर रहा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और हमने जो है एक और उसके आधार पर वो किया है कि मेरा जो मत है उसके अकॉर्डिंग हमने जो 33 जो बोलियाँ हैं उनको जो है 7 राजस्थानी का पूरा जो क्षेत्र है उसको 7 एरियाज में बांटा है और उसमें 33 बोलियों को जो है समाहित किया है। ये टाइटल गलत हो गया है, इसको थोड़ा वो करने में भूल गए। मेन टाइटल ये है कि मैंने जो रखा है उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि मेरा मानना है कि उत्तरी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें जो राजस्थानी की बोलियों को जो वर्गीकरण हम करते हैं तो इसमें हम जैसलमेरी, थड़ी, ठाटकी, सिरायकी और मरुबोली को रख सकते हैं। तो ये 5 बोलियाँ हैं। दक्षिणी क्षेत्र में अगर हम रखते हैं तो इसमें मारवाड़ी और सिरोही 2 बोलियां हैं। फिर अगर उत्तरी राजस्थानी की हम बात करते हैं तो इसमें बागड़ी, बीकानेरी, अहिरवाटी, तोरावाटी 4 बोलियां हैं। उत्तर पूर्वी की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेवाती और राजस्थानी ब्रज 2 बोलियां हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान की जगह हम बात करते हैं तो इसमें ढूंढाड़ी, नागौरी, अजमेरी, मेरवाड़ी, जयपुरी, नागरचाड़ी। तो ये आपकी 6 इसमें हमने इसकी बोलियाँ हमको सर्वेक्षण के दौरान मिली है। छठा हमने जो इसको रखा है पूर्वी राजस्थानी, इसमें मीना, इसके भी 2 भेद हैं, उत्तरी मीना और दक्षिणी मीना, और एक जो है वो शहरी। तो ऐसे करके ये 3 मिलती हैं, या इसको आप 2 मान सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमने दक्षिणी राजस्थान की जो रखी है उसमें निवाड़ी, मेवाड़ी, हाडोती, भीली, गरासी बोलियों को रखा है, और ये अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 5 बोलियां हैं। ऐसे करके अगर इसको आप गिनेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 5 और 2 7 और 6 13 और 2 15 और 4 19 और 2 21 और 5 23। बाकी की जो बोलियां हैं उसकी सूची हमारी आगे की जो हम जो क्लास है उसमें उसको लेकर के आएंगे। ऐसे में अगर हम समवेत रूप से कहें, इसको निष्कर्ष रूप में हम बात करें, तो राजस्थानी और उसकी सीमावर्ती जो बोलियाँ हैं उसमें देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान और वर्तमान मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक इकाई मालवा में प्रचलित बोलियों का सामूहिकता सूचक नाम राजस्थानी है। मतलब जो मालवी है वो भी राजस्थानी भाषा की उपबोली है या उपभाषा है, पर उसका जो क्षेत्र है भौगोलिक और राजनीतिक जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आता है। तो राजस्थानी की सीमावर्ती बोलियों के उत्तर में पंजाबी, पूर्वोत्तर में हरियाणवी, पूर्व में ब्रज, पश्चिमोत्तर में सिंधी, पश्चिम में गुजराती, दक्षिण में बुंदेली का वर्चस्व है। यहाँ ये अवगत कराना समीचीन होगा कि राजस्थान के आस पड़ोस की सभी भाषाओं का आपसी भागों के साथ संक्रमण क्षेत्र व्याप्त है। संक्रमण क्षेत्र को हम अंग्रेजी में ट्रांजिट एरिया बोलते हैं कि जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो दोनों चीज़ों में आपस में एक दूसरे का प्रभाव आता है, और उस प्रभाव से जो है वो संक्रमण क्षेत्र की पट्टियाँ बनती है। उन पट्टियों को हमने आगे जो मानचित्र में जो दिखाया है उसको हम अगले वाली क्लास में आपके सामने लेकर के आएंगे। तो हम आपको आज जो हमने जो बात की वो राजस्थानी भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, राजस्थानी भाषा की लिपि के बारे में, और उनकी बोलियों का वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने किन किन रूपों में किया है उसको आप सबके सामने हमने रखा। अगली वाली क्लास में हम ये जो सारी जो बोलियाँ हैं उनका, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ और दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं RS मेंस में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें और गहराई से अगर कोई एग्जामिनर उतर करके पेपर बनाता है तो उसके स्पीकिंग एरिया और उनकी व्याकरणिक जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर भी प्रश्न बन सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा जो अगला जो व्याख्यान होगा वो इसका सेकेंड पार्ट के रूप में राजस्थानी भाषा की बोलियों के भाषिक क्षेत्र और व्याकरणिक विशेषताओं के ऊपर होगा। आज आपने इस सारे लेक्चर को सुना
और आपने उसके लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आलोकन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना पहले से पहले मिल जाए और आपसे कोई भी जो जानकारी है वो मिस नहीं हो। धन्यवाद।